हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक अच्छा वाला डिश। ये सुबह के वक्त और रायलसीमा में ये नाश्ते के लिए यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग। ये डिश आके हमारे को रायलसीमा में और घर में, बाहर होटल में, कहां पर भी ये नाश्ते के लिए फेमस है। रायलसीमा का मूरी उपमा भी बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, उज्ञानी बोलते हैं। आइए देखिए मेरे चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं मूरी उपमा बना रहे हैं। मूरी उपमा भी बोल भी सकते हैं, हम लोग तो बोल रहे हैं इसको उज्ञानी बोलते हैं। आज हम बनाने वाले हैं उज्ञानी। देखिए यहाँ पर हमें मूरी रखे हैं, इस तरफ हम रखे हैं। मूरी में क्या क्या चीज़ हमारे को चाहिए है वो चीज़ हम यहाँ पर रखे हैं। टमाटर, प्याज रखे हैं, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च मिक्स में डालकर हम पीसे हुआ हरी मिर्च रखे हैं। यहाँ पर हम रखे हैं करिया पत्ता, यहाँ पर रखे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, यहाँ पर जीरा राय सरसों रखे हैं, इसको भी रायम भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम रखे हैं सूखा वाला रेड कलर मिर्ची रखे हैं। अब यहाँ पर हम रखे हैं ये भुना हुआ फुटानन का पाउडर, एक बड़ा वाला बगना लेकर इसमें हम मूरी पूरी इसमें डालेंगे। अब हमारे को मूरी भीगने के लिए इसमें पानी भी डालना है। तीन लोटे पानी डालकर इसमें हम छोड़ देते हैं, एक 5 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे। ये थोड़ा से भिगना हुआ ये मूरी थोड़ा से पानी में अच्छे से भिगना है, इसलिए हम पानी में डालकर छोड़ देंगे। अब इस तरफ हमें स्टोव ऑन करेंगे, इस पर हम रखेंगे एक छोटा से बोगने का जैसा, इसमें डालेंगे हमें तेल। हमारे को मूरी उपमा को कितना तेल लगेगा उतना तेल हम इसमें डालेंगे। हमें इसमें डाले हैं 4 चम्मच तेल डाले हैं। अब तेल थोड़ा से गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज टमाटर। अब इसमें हमें डालेंगे प्याज टमाटर डाल देंगे। इसको थोड़ा से फ्राई बना लेंगे लाइट से, ज़्यादा नहीं। अब इसमें हमें डालेंगे 1-2 मिनट हो गया प्याज भी टमाटर डालकर। अब साथ में पूरा चीज डाल देंगे इसमें हम, एक बार अच्छे से इसको एक साथ में मिलाना है। इसमें थोड़ा से हल्दी भी ऐड करेंगे हम। थोड़ा से गरम मसाला, एक बार अच्छे से इसको हम मिला लेना है। अब बारीक कांच पर ये छोड़ देंगे ऐसा ही। अब मूरी के पास गएंगे हम लोग। अब हम मूरी में पानी में डालकर आसपास 8 मिनट हुआ, अब हमें इसको पानी में से निकालना है। ये पूरा ज़्यादा नरम होने से फिर अच्छा नहीं रहेगा। अब इसको हमें ऐसा मुट्ठी में लेकर इसको ऐसे निचड़ना चाहिए, इसका पानी पूरा निकलना है। अब इसको एक फिर छोटा से
भगोना लेकर उसमें डाल देंगे। पूरा मूली को ऐसा ही निछलना है। देखिए हमें पानी में ऐसी मूली पूरी निकाल कर इस पर रखे हैं। अब देखिए पानी भी इतना गंदा निकला है मूली में से। अब यहाँ पर हमारे को बघार भी अच्छा बन के है। अब ये बघार में हमें मूली पूरी इसमें डालना है। इसमें कितना नमक लगेगा तो उतना नमक हम इसमें डालेंगे। आसपास हमें छोटा वाला स्पून है ये, इसे हमें 3 चम्मच डाल रही है। इसमें भुना हुआ पाउडर है ना, भुना हुआ फुटाने का वाला पाउडर ये, अब ये भी इस पर हम ऐसा ही डालना है। अच्छे से हम मिलाना है इसको। इसको अच्छे से मसाला लग रहा है ना, पैन जैसे हम अच्छे से मिलाना है इसको। अब ये तैयार बन के है खाने के लिए। अब स्टोव ऑफ करेंगे। फिर एक बार अच्छे से स्टोव ऑफ करने के बाद हम इसे एक बार मिला लेंगे। लेकर इसमें हम डालकर बताएंगे आप लोग को।